आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा अपना गांव स्पीति के हसीन वादियों में बसा ये छोटा सा प्यारा सा गांव जिसका नाम है काले। सुंदर नज़ारा काले गांव का, सामने देख रहे हैं आप पहाड़, उस पहाड़ के ठीक नीचे है माने गांव और ये दार है मनीरंग दार। और ठीक ये दार चढ़ने के बाद मनीरंग लेक मिलेगा और वहाँ से आगे मनीरंग पीक शुरू हो जाता है, हिमाचल के मशहूर पर्वतों में से एक मनीरंग पीक के ठीक नीचे बसा ये गांव जिसका नाम है काले। बहुत ही प्यारा व्यू काले गांव का। आज मैं काले गांव को हर एंगल से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है जी अपना गांव, ये सामने मेरा बगीचा, छह सात घर ही हैं यहाँ पे। अभी तक रोड अच्छी तरह से बने नहीं है यहाँ पे, माने से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर पहाड़ों के, अलग अलग रंग पत्थरों के, अलग अलग रंग मिट्टी के, अलग अलग रंग दिखते हैं यहाँ स्पीति में। खूबसूरत नज़ारा स्पीति के का। I love my India, ये मेरा India, यही तो है यार भारत की शान। बड़े बड़े पहाड़, ठंडे ठंडे मौसम, ये नीचे देख रहे हैं आप काले झील, ये अगस्त और सितंबर में पूरी तरह से भर जाते हैं तो बहुत देखने लायक होते हैं। ये राज हमारा कुल, बहुत ही प्यारा नज़ारा काले गांव का।
पानी लेकर पहुंच गया हूं खेतों के पास और इसी कुल से इन सभी खेतों की सिंचाई होती है। बहुत ही प्यारा व्यू काले का। We'll be right back.
हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे खेतों में कैसे पानी दिया जाता है। हमारे खेतों में पानी नालों द्वारा लाया जाता है, कुल द्वारा लाया जाता है और खेतों में बनी क्यारियों में इस प्रकार से पानी डाला जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो गेहूं और मटर की फसल होती है इस प्रकार से बंद किया जाता है इसको, और हर एक क्यारियों में देना पड़ता है पानी। इस प्रकार से सिंचाई होती है यहाँ पे, कुल द्वारा यहाँ तक पानी को लाया जाता है